आपको बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल से 36 बच्चों की मौत की दर्दनाक खबर आई है, उसके बाद से ही सवाल उठ रहा है कि इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अब से पहले हम अपने दो खास मेहमानों के साथ बहस कर रहे थे और इस बीच ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जो पहुँचा है गोरखपुर में, और आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी वहाँ मौजूद हैं, आरपीएन सिंह हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं। हालांकि बीजेपी राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन दबाव में है योगी सरकार, क्योंकि 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीआरडी अस्पताल में आकर गए, बावजूद इसके किस तरह से इस अस्पताल ने लापरवाही बरती है, और इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ऐसी ही खबरें इस अस्पताल से आ रही हैं जहाँ मरीज हैं बेहाल परेशान। लेकिन आरपीएन सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता, यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जानकारी मिली है सरकार की वजह से जो लापरवाही हुई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज है तो सरकार को पैसे देने चाहिए थे। वो सरकार की जितनी लापरवाही, और मैं समझ सकता हूँ सबसे बड़ा पाप है कि बच्चे इस अस्पताल में मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।